हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक मैथ्स। आज है 1 सितंबर और आज के इस वीडियो में हम लोग 1 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो चलिए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान से अपना निकासी अभियान समाप्त कर दिया है? हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान से अपना निकासी अभियान समाप्त कर दिया? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी जापान, डी भारत। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो, भारत और किस देश की नौसेनाओं ने अदन की खाड़ी गल्फ ऑफ अदन में एक संयुक्त अभ्यास किया? क्वेश्चन नंबर दो में क्या बोल रहा है कि भारत और किस देश की नौसेनाओं ने अदन की खाड़ी गल्फ ऑफ अदन में एक संयुक्त अभ्यास किया? ऑप्शन नंबर ए नेपाल, बी चीन, सी रूस और ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर मूव करते हैं। हाल ही में 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हाल ही में 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल और डी तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। तो किस राज्य की विधानसभा ने, तो क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, हाल ही में SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बन गया है? ऑप्शन नंबर ए चीन, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी भारत। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी भारत, फाइव का डी। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव 2021 किसने आयोजित किया? आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव 2021 किसने आयोजित किया? ऑप्शन नंबर ए ITBP और बी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG इसको बोलते हैं और सी BSF और डी CRPF। तो हमारा राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर कौन मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए उन्नति, ऑप्शन नंबर बी हेल्थ इज वेल्थ, ऑप्शन नंबर सी फिट इंडिया और डी हाई ड्रीम। तो कौन सा ऐप लॉन्च किया? फिट इंडिया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन का। चलिए क्वेश्चन नंबर एट, एडिडास के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? एडिडास के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ऑप्शन नंबर ए मैरी कॉम, ऑप्शन नंबर बी मीराबाई, ऑप्शन नंबर सी संदीप और डी मानुषी छिल्लर। तो कौन बनी है? मानुषी छिल्लर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन, T20 क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाली पहली महिला बनी है? T20 क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाली पहली महिला बनी है? ऑप्शन नंबर ए मेघना, बी मिताली, सी फ्रेडरिक, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो कौन बनी है? फ्रेडरिक, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर टेन और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारतीय बच्चों के लिए बी इंटरनेट अवसर प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो कौन सा कंपनी ने? गूगल कंपनी ने। तो फ्रेंड्स ये थे हमारा करंट अफेयर्स के top 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपको ऐसे वीडियो के साथ नेक्स्ट डे।